हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जैती पहाड़ पानीपुर गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जैसा कि यस्टरडे हमने न्यू बुक स्टार्ट की थी और फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने देखा कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों बढ़ी, लेकिन अंततः आते आते आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो मुख्य फीचर थे, जो मुख्य लक्षण या कंपोनेंट्स थे, वो कौन कौन से थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे द फर्स्ट कोटेशन ऑफ फेडरलिज्म, अर्थात संघवाद। इसका महत्व है कि देश में एक से ज्यादा स्तर से सरकारों का होना। फेडरलिज्म का अर्थ यही होता है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट्स का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके थे, 7th की बुक में भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश को फैलने में लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसला लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसा का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि उन्हीं संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते भी हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, संसदीय शासन पद्धति क्या है। तो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं और वयस्क नागरिकों को वोट डालने का जो अधिकार है वो संविधान देता है। संविधान के सदस्य जब संविधान की रचना करते थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। सो नाउ गाइस, क्लास जो थर्ड पॉइंट्स आता है वो आता है सेपरेशंस ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आपने इस पुस्तक में पढ़ा भी होगा। सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका राज्य सरकारों से नहीं है। जब एक राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हम सॉवरेगिनी कहते हैं। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात करते हैं तो भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार में 3 विधायिका हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया कि वो अन्य तरीकों से भी उन तर्कों को या उन रीजन्स को हम तक बड़े ही आसानी से पहुँचाते हैं और समझते भी हैं। तो गाइस, 4th जो पॉइंट आता है वो फंडामेंटल राइट्स आता है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान को अंतरात्मा भी कहलाता है। जो 4 है मौलिक अधिकार, उसको भारत की अंतरात्मा भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए।
लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। सो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड नीति इसको सही से जाहिर भी की है। आप देख सकते हैं, मैं आपको मौलिक अधिकार जो हमारे हैं और वो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरा राइट्स है वो राइट टू फ्रीडम, अर्थात अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा, संगठन बनाने का स्वतंत्र, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, कोई भी व्यवस्था, पेश या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। जो थर्ड फंडामेंटल है वो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरियन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी करवाना अपराध भी है। फोर्थ जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है। नंबर फिफ्थ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अर्थात संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नंबर सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अधिक वो करते हुए अदालत में भी जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखी और उसको पढ़ा। नंबर फिफ्थ आता है अब हमारा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता वह राज्य है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम इस बात को समझने लगे हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते खेल देख सकता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान की भारी बदलाव आ सकते हैं, जहाँ वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल सकता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान भी पैदा हुआ है। ऊपर हमने भारतीय संविधान की चर्चा की थी, उनको देखा था, उनको सुना था। हम ये भी कह सकते हैं 11वां जो मौलिक कर्तव्यों से प्रत्येक से रेखा चित्र में बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको आगे किया गया है। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यहीं फिनिश होता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।